सुर्खियों में रही ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से रिश्ता खत्म कर रही है। उन्होंने तलाक के लिए प्रयागराज फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर 18 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी। वहीं पति आलोक मौर्य को भी अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। साथ ही ज्योति और आलोक दोनों ही कोर्ट में गैर हाजिर रहे। गैर हाजिरी का माफीनामा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के वकील की तरफ से कोर्ट में दाखिल किया गया है। अब मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 सितंबर तय की है। बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान ज्योति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थी। उन्होंने कोर्ट में छुट्टी ना मिलने की वजह बताई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 18 अगस्त तय की थी, लेकिन दोनों की गैर हाजिरी के बाद अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। अगली सुनवाई पर आलोक मौर्य के वकील ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल याचिका का जवाब दाखिल करेंगे। पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल याचिका की कॉपी मांगी गई थी। हालांकि हाल ही में इस केस की सुनवाई के बाद ज्योति के पति आलोक मौर्य ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ अपनी बेटियों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वे ज्योति से भी समझौता को तैयार हैं और ज्योति मौर्य की दोनों बेटियां फिलहाल अपनी माँ के साथ ही रह रही हैं। दरअसल आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की साल 2010 में शादी हुई थी। 2009 में आलोक का चयन पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुआ था। इसके बाद उन्होंने ज्योति की पढ़ाई करवाई। साल 2015 में ज्योति का चयन SDM पद पर हो गया। लोक सेवा आयोग से महिलाओं में ज्योति की तीसरी रैंक और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। सभी बहुत खुश थे। 2015 में जुड़वा बच्चियां हुई। 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद ज्योति मौर्य की लाइफ में मनीष दुबे की एंट्री होती है। प्रयागराज के रहने वाले PCS ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी PCS अधिकारी हैं। साल 2020 से जिला कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में हैं। अब दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने अपने शिकायती पत्र के साथ मोबाइल फोन और व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक की थी। वहीं ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न और धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है। दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।